G20 के बाद चीन ने एक और स्टेल्थ फाइटर जेट बना लिया है। स्टेल्थ कोडिंग के बाद चीन का J-16 फाइटर जेट भारत के लिए मौत का सामान बन गया। यही नहीं बल्कि स्टेल्थ कोडिंग के बाद चीन के इस हथियार को दुनिया के खतरनाक तरीन लड़ाकू हथियारों में शामिल कर लिया गया है। चीन का ये जंगी हथियारा भारत और अमेरिका के लिए किस कदर तबाही साबित होने वाला है, और पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने J-20 और J-31 की ऑफर ठुकरा कर इस जंगी हथियारे का इंतखाब क्यों किया। नाज़रीन ग्रामी, ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मजीद वीडियो की तफसील में जाने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल अमेजिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को भी दबा दें। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि चीन जब भी कोई खतरनाक हथियार बनाता है तो वो उस हथियार को पहले पाकिस्तान को देने की ऑफर जरूर करता है। इसी तरह चीन ने J-31 और J-20 जैसे खतरनाक लड़ाका हथियार बनाए तो चीन ने उन हथियारों की पाकिस्तानी एयर फोर्सेस को भी देने की ऑफर की, लेकिन पता नहीं पाकिस्तानी एयर फोर्सेस ने किसी न किसी वजह से इन हथियारों की ऑफर को ठुकरा दिया। J-16 चीन का एक मल्टी रोल लड़ाका हथियार है जो अब चाइना फजाइया के मुताबिक चीन ने इस हथियारे में कोडिंग करके इसे दुनिया के 5th जनरेशन लड़ाका हथियारों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी बदौलत अब ये लड़ाका हथियार 5th जनरेशन के जंगी हथियारों को टक्कर देने की सलाहियत से भी लेस हो गए हैं। ये हथियारा टेक्नोलॉजी के मामले में रूसी, अमेरिकी और फ्रांसीसी जंगी हथियारों के मुकाबले में ज्यादा एडवांस है, और कीमत की बात की जाए तो ये हथियारा दूसरे ममालिक के मल्टी रोल लड़ाका हथियारों के मुकाबले में बहुत ही कम है। चाइनीज अखबार ग्लोबल फायर ने दावा किया है कि ये जंगी हथियारे चीन से पाकिस्तान भी खरीदने जा रहा है। इन लड़ाका हथियारों के अलावा पाकिस्तान की नज़र चाइनीज साख्ता CM-400 AKG नामी मिसाइल पर भी है। ये मिसाइल खासकर पाकिस्तानी JF-17 थंडर और हथियारों के लिए पाकिस्तान चीन से खरीद रहा है। इत्तफाक की बात तो ये है कि J-16 भी ये मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। इस लड़ाका हथियार और मिसाइल की शमूलियत से भारत की परेशानियों में मजीद इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, CM-400 AKG मिसाइल के लिए तो पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान चीन से ये मिसाइल खरीदने जा रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी मीडिया और डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से इस बात को वाजे नहीं किया गया कि पाकिस्तान चीन से J-16 जंगी हथियार खरीदेगा या फिर नहीं। इस हवाले से जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको बता देंगे।